नमस्कार, NIOS के DLED कार्यक्रम में आप सभी शिक्षार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं प्रोफेसर निरंजन सहाय, हिंदी विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। शिक्षार्थियों, आज हमारे साथ वार्ता में सहभागी होने के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी। आपका स्वागत है ज्ञानदेव जी। नमस्कार। आज हम लोग पठन सीखने की प्रक्रिया पर बातचीत करेंगे। शिक्षार्थियों, आप सभी जानते हैं कि भाषा के चार कौशलों की बात की जाती है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसमें पठन एक महत्वपूर्ण क्रिया है जिस पर विस्तार से बातचीत की ज़रूरत है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए यह सुखद संयोग है कि डॉक्टर ज्ञानदेव जी हम लोगों के बीच हैं। डॉक्टर ज्ञानदेव जी ने बिहार और NCERT जैसी संस्थाओं के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें जो तैयार हुई हैं उनमें आपने सहयोग दिया है। आपसे एक बार फिर हम सभी की तरफ से आपका स्वागत है। और आपसे पहला प्रश्न यह है कि पढ़ने और बचपन के रिश्ते के बारे में बताइए। धन्यवाद निरंजन जी। सबसे पहले तो हमें अपनी पठन संबंधी उस चर्चा को एक बार ध्यान में रखकर आगे चलने की आवश्यकता है। जहाँ पढ़ना क्या है के संदर्भ में हम लोगों ने चर्चा की थी और चर्चा में यह बात उभर कर आई थी कि पढ़ना अर्थ निर्माण है, पढ़ना समझना है। इसे ध्यान में रखते हुए जब तक हम उद्देश्य को ध्यान में नहीं रखेंगे तब तक उसकी प्रक्रियाओं के निर्धारण और उसके संचालन के बारे में परेशानी होती रहेगी। पढ़ने और बचपन का जो रिश्ता है, वैसे तो पढ़ना किसी भी आयु में सीखना संभव है, लेकिन यदि बचपन में ही इसे सीख लिया जाए और पढ़ने के कौशल में दक्षता विकसित कर ली जाए तब जीवन की अन्य चुनौतियां न केवल आसान हो जाती हैं अपितु उनमें एक विशेष प्रकार का आनंद और उत्साह भी भर जाता है। कहने का अर्थ क्या है कि पढ़ना आप किसी भी उम्र में सीख तो सकते हैं, लेकिन यदि बचपन से ही इस प्रक्रिया में आप शामिल होते हैं तो पढ़ने का जो वास्तविक आनंद है और पढ़ने का जो उत्साह है उसकी उम्र एक तरह से अधिक लंबी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, और आप पढ़ने के उस प्रक्रिया में शामिल होते हैं जो आपको आनंदित करता है। बचपन में पढ़ना सीखने का कारण यह है कि दुनिया में मौजूद अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों, संदर्भों के अर्थों की तलाश बच्चे बच्चियां तीव्रता से महसूस करते हैं। जी, क्योंकि बचपन में आपके सामने कई ऐसी चीज़ें आती हैं। एक तो प्रकृति ही आपके सामने खड़ी है जो अबूझ है, और बचपन में हम उसके तार खोलना चाहते हैं, उसके अर्थ जानना चाहते हैं। प्रारंभिक शिक्षा की यह एक बड़ी चुनौती है कि पठन के शुरुआती दौर में कौन सी प्रक्रियाएं अपनाई जाएं। अब ये तो ठीक बात है कि बच्चे सुनने और बोलने का कौशल तो हासिल कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारा मस्तिष्क है उसमें एक तरह से भाषा सीखने की जो जन्मजात या भाषा की जो जन्मजात प्रकृति है उसके कारण बोलना और सुनना तो उनके जीवन में शामिल रहता है, लेकिन लिखने और पढ़ने की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत जब बचपन में हम करते हैं तो यह एक बड़ी चुनौती है कि किस तरह से इसकी शुरुआत की जाए। जी, यानी पढ़ने की शुरुआत हम कैसे करें। अभी तक का अनुभव ये रहा है कि जो पारंपरिक विधियाँ रही हैं, या यूँ कह लीजिए कि हम लोग जिस विधि से शिक्षित दीक्षित हुए हैं या पढ़ना सीखे हैं, उनमें वर्णमाला के अक्षरों और उनकी ध्वनियों पर सबसे पहले ध्यान देती है जो पारंपरिक विधियां हैं। इसकी सबसे बड़ी खामी या गड़बड़ी यह है कि इस दौरान बच्चे बच्चियों में स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले अर्थ की चाहत की अनदेखी हो जाती है। क्योंकि बच्चा एक अपने परिवेश से कुछ अनुभव लेकर अपनी एक भाषा के सुनने और बोलने के कौशल को लेकर आता है। जी। और उसके बाद हम पिछली चर्चा में भी हम लोगों ने इस उदाहरण का उपयोग किया था कि एक बच्चा पूरा वाक्य लेकर आता है और हम उसको अक्षरों से उसकी प्रक्रिया शुरू कराते हैं पढ़ने की, तो ये मेल नहीं बैठता। जी। उसका जो अनुभव जगत है, उसके पास जो भाषिक समझ है, जी, और हम जिस तरह से पारंपरिक विधियों में जिस तरह से अक्षरों से शुरुआत करते हैं, तो यह फिर एक तरह से उसका जो बच्चे के पास जो अर्थ की चाहत है या जानने की चाहत है उससे एक तरह से बिल्कुल उलट मामला है। जी, जी। अब जब अक्षर ज्ञान हो जाता है तब इस ओर ध्यान दिया जाता है, लेकिन तब तक इतनी देर हो जाती है
कि बच्चे बच्चियों का धैर्य समाप्त हो चुका होता है। यानी हम उस प्रक्रिया में जब पहुंचते हैं तब तक विलंब बहुत हो चुका होता है और बच्चे पढ़ने को एक उबाऊ प्रक्रिया मान लेते हैं। जी जी, पढ़ने से मिलने वाले आनंद और आत्मविश्वास के अभाव में वे दूसरी कक्षा तक आते आते खुद को पिछड़ा हुआ मानने के अवसाद से पीड़ित हो जाते हैं। ओहो, यह बचपन का एक बड़ा भारी गुण है कि जिस काम में आपको आनंद ना आवे, मन न लगे, वो धीरे धीरे आपके लिए भारी होता जाता है और आपके लिए दुख का कारण बन जाता है। यही यहाँ एक सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि यदि प्रचलित तरीके सही नहीं हैं, यानी वे विधियाँ जिन्हें हम परंपरागत विधियाँ कहते हैं, तो फिर कक्षा में पढ़ना सिखाने के लिए क्या किया जा सकता है? जी जी जी, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। जी, एक बात हम लोग हमेशा सुनते आए हैं कि पढ़ने की दुनिया में किताबों की बड़ी संजीदगी से उपस्थिति होती जी, है। जी जी, तो पढ़ने की दुनिया में किताबों की उपस्थिति के मायने क्या हैं? बिल्कुल ठीक बात है निरंजन जी, कि हम अब जिन तरीकों पर बातचीत करने जा रहे हैं कि पढ़ने के वैकल्पिक तरीके और क्या हो सकते हैं कक्षाओं में, यह कहना तो बहुत आसान है कि पारंपरिक तरीके बहुत रोचक और आनंददायी या उत्साहवर्धन करने वाले नहीं हैं, लेकिन अन्य तरीके क्या होंगे? जी, तो अभी आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही है कि हमें किताबों से शुरुआत करना हो सकता है कि बेहतर हो। जी जी, यानी किताबों, यदि पढ़ना सिखाने की शुरुआत फ्लैश कार्ड, चार्ट या लकड़ी प्लास्टिक के अक्षरों जैसी सामग्री से करने की बजाय किताबों से करना अधिक उचित होगा। जी जी, इसका दूरगामी उद्देश्य है बच्चे बच्चियां आगे चलकर किताब पढ़ सकें, कहना न होगा कि यही हमारा उद्देश्य भी है। किताब के अलावा उल्लिखित सामग्री का उपयोग संभव है, लेकिन प्रधानता किताब की होगी। यानी केंद्र में यदि आप किताबों के पठन को रखते हैं, मतलब अन्य सामग्रियों का उपयोग कर सकते जी, हैं, आप लेकिन सामग्री के तौर पर उनका उपयोग करिए, लेकिन केंद्रीय भूमिका किताबों की होनी जी चाहिए। जी, अब सवाल यह है कि किताबें कैसी होनी चाहिए। अब आप लाके उनके सामने ऐसी किताब रखते हैं जो वो पढ़ नहीं सकते या उनके लिए उपयोगी नहीं है, तो ऐसी किताबों का चयन भी नहीं, रुचि जगाने वाली ना हो, भारी भरकम सी किताब आप ला दें। एक महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि जब हम शुरुआत किताबों से कर रहे हैं तो हमें कैसी किताब रखनी चाहिए या किताबें कैसी होनी चाहिए। जी जी, किताबें एक तो छोटी होनी चाहिए और साफ अक्षरों में लिखी होनी चाहिए, संभव हो तो उनमें चित्र हों ताकि चित्र देखकर बच्चे कुछ अनुमान भी लगा सकें कि क्या है, क्या लिखा है। और भी अच्छा तो यह है कि इतनी जगह भी रहे कि बच्चे या बच्चियां अपने मन के चित्र बना पाए। जी जी, जो कुछ वो महसूस करते हैं, देखते हैं, उसके आधार पर कुछ चित्र वहां जी अपनी आड़ी तिरछी रेखाओं से जैसी भी वो बनाना चाहते हैं, ज्ञानदेव जी बनाने का अवसर उन्हें। जी जी, हम सभी का बचपन ऐसे ही गुजरा है। हम लोग चित्र कथाओं वाली, जैसे अमर चित्र कथाएं आती थी और उसमें बहुत सारी कहानियां होती थी, तो हम लोग उससे केवल इसलिए आकर्षित हो जाते थे कि उसमें चित्र बने होते थे। घर में किताब रखी होती थी और हम लोग आकर्षित होते। बिल्कुल, और आज भी आप देखिए कि बच्चे अपनी मतलब कॉपियों में जो चित्र बनाते हैं जी, जो एक तरह से निर्देशित चित्र है, और बच्चे जो अपनी मस्ती में घरों की दीवारों को अपनी आड़ी तिरछी रेखाओं से रंग देते हैं, जी जी, उन दोनों में बहुत ही फर्क होता है। जी, बच्चे अपने आप को अब घर की दीवारों पर उकेरते हैं, जिन्हें हम बड़े कहते हैं कि अरे दीवार गंदा मत करो जी, लेकिन उन्हें दीवारें आकर एक तरह से आमंत्रित करती हैं कि आओ और हमारा उपयोग करो और लिखो। तो जिस तरह दीवारें आमंत्रित करती हैं, उसी तरह यदि ये किताबें भी आमंत्रित करें कि आओ और यहाँ अपने मन को जैसी रेखाओं से तुम उकेरना चाहते हो, प्रस्तुत करना चाहते हो, करो, यानी एक अवसर दे बच्चों के जो भाव हैं उनको प्रकट करने के लिए यदि वहाँ चित्र हों तो अच्छा होगा। कविताओं और गीतों की या खेल गीतों की किताब का भी इस सिलसिले में उपयोग संभव है। जी जी, कविता और गाने जी जी, खेल गीत जो हैं जी, और जो गेय कविताएं हैं, एक तरह से यह ध्यान जरूर रखना चाहिए कि इस उम्र के बच्चों के लिए, हम प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो प्रशिक्षु हैं NIOS ODL के, इनमें से अधिक संख्या उनकी है जो प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में जहाँ बच्चों को पठन सीखने की प्रक्रिया में हम शामिल कर रहे हैं, वहाँ हमें ऐसी कविताओं का चयन करना चाहिए जो लयात्मक हो।
जिनमें लय हो जी, ताकि बच्चे को उसके लिए अतिरिक्त श्रम न करना पड़े। तुकांत कविताएं नहीं, जो जिसे तुकांत कविताएं कहते थे या गेय कविताएं कहते थे, गीत जो होते हैं। जी जी बिल्कुल जी, ताकि बच्चों तक उन कविताओं के संप्रेषण में अधिक वक्त न लगे और उनको आनंद आए, उसके लय में उनको आनंद आए। गे कविताएं उनके दिल दिमाग में जाकर टिक जाती हैं। टिक जाती हैं बिल्कुल, इसका अनुभव हम लोगों को भी है। अब इस प्रक्रिया को थोड़ा और खोलें, थोड़ा आगे की तरफ चलें कि किताबें पढ़ने की जो किताबों से पढ़ने की जो शुरुआत करनी है उसमें और क्या क्या हमें करना चाहिए। एक तो आवश्यक है कि हम किताब पढ़कर यदि सुनाते हैं, किताब पढ़कर सुनाते समय उससे प्रत्येक बच्चे या बच्ची का आत्मीय व्यक्तिगत रिश्ता बने, इसके लिए जरूरी है कि उनकी संख्या कम हो। अब आप एक साथ बड़ी संख्या में कुछ पढ़कर सुना भी रहे हैं तो एक तो सबका ध्यान एक जैसा एकाग्र है नहीं। संख्या अधिक हो, यदि हो, मान लीजिए ऐसी भी स्थिति आती है कि संख्या अधिक हो, तो यह ध्यान में रखना चाहिए कि उन्हें घेरे में बैठाया जा सके। घेरे में बैठाया जाने का यानी हर बच्चे या बच्ची की निगाहें शिक्षक या शिक्षिका की तरफ आराम से पहुंच जाए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि आप भी उनके भाव को, उनकी आंखों को पढ़ सकें और वो भी आपको एक तरह से सुन सके। एक तरह से विद्यार्थी और शिक्षकों की आंखों के बीच संवाद स्थापित हो जाए जी। तो बैठे हुए विद्यार्थी को किताब का पन्ना साफ नजर आना चाहिए जी। एक तो इस तरह से भी बैठाएं कि उनके सामने जो किताब खुली हुई है उसके अक्षर साफ साफ नजर आए। किताब को पढ़ते समय उसमें अपना कुछ जोड़ते चलना चाहिए, यानी कुछ कुछ बीच में अपनी बात आप उसमें जोड़ते चलिए, नहीं तो वो नीरस पाठ हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, और वो फिर रटंत वाली प्रवृत्ति हो जाए। जैसे हम कविता पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, तो बीच बीच में कुछ जोड़ते चले। जी जी जी। परिवेशगत काल्पनिकता से बच्चे बच्चियों का जुड़ाव पूरी प्रक्रिया से सहज ही जुड़ जाता है, यानी परिवेशगत मतलब जिस परिवेश से बच्चे आते हैं यदि उसके साथ जुड़ी हुई सामग्री हमारी है तो उनका जुड़ाव थोड़ा जल्दी हो जाता है इन किताबों को पढ़ने की प्रक्रिया में। अगर सामग्री विस्तृत हो तब उसे संक्षिप्त भी किया जा सकता है। यह ध्यान में रखना चाहिए कि यदि बड़ी सामग्री है तो उसे टुकड़ों में बांट के सुनाया जा सकता है बच्चों को। आवश्यक नहीं कि कोई ऐसी कहानी जो थोड़ी बड़ी हो और शिक्षक या शिक्षिका यह महसूस करते हैं कि उन्हें एक बार में बच्चों तक नहीं पहुंचाया जा सकता, तो आप उसे कई टुकड़ों में अपनी सुविधा के अनुसार बांट लीजिए और तब उसका पाठ करिए या उसको बच्चों को सुनाइए जी। इससे अलग यदि पृष्ठों पर मुद्रित सामग्री कम हो तब उसमें कुछ जोड़ भी देना चाहिए। बहुत छोटे पाठ हैं, हाँ, तो बड़े हो, आप कुछ जोड़ते जाए। बड़े हो तो छोटे कर लीजिए, छोटे हो तो उसमें कुछ अपनी बात जोड़ दीजिए ताकि बच्चे उसमें संलग्न रहें। पर जोड़ते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि उस प्रवाह के अनुकूल हो। बिल्कुल, आप जिस प्रवाह में वह पाठ जा रहा है उसके अनुकूल हो जी। अब ऐसा नहीं कि आप पाठ पढ़ाते हुए कोई इतनी बड़ी बड़ी बातें उसमें डाल दीजिए जो बच्चों के लिए फिर एक बार छेपक बोझिल हो जाए, छेपक हो जाए, विषय वस्तु से उसका रिश्ता न हो जी। दिए गए चित्रों से भी संवाद कायम किया जा सकता है। यदि आप कोई चित्र लाएं कक्षा में, हाँ, तो उससे भी संवाद कायम किया जा सकता है। जैसे कोई करने का मतलब है कि यदि कोई चित्र है और उस पर आप बच्चों को भी कहते हैं कि वो इन चित्रों में क्या देखते हैं, इस चित्र को किस तरह देखते हैं, या कोई रेखा खींच दी गई और उसको पूरा करने के लिए आपने दे दिया, तो ये वो प्रक्रियाएं हैं जो, और यह सिर्फ चित्र बनाने की कला यहाँ आप नहीं सिखा रहे, ये ध्यान में रखिएगा जी जी। क्योंकि यह ये जो चार कौशल हैं, यहाँ ठहर कर हमें यह भी समझना चाहिए कि हम जो विभिन्न कलाओं का उपयोग करते हैं, वास्तव में भाषा सीखने में इन सभी कलाओं का हम उपयोग करते हैं जी जी। संगीत है ही जी, यदि आप गेय कविताओं का लयात्मकता का प्रयोग करते हैं तो संगीत है, अभिनय कलाओं है। के और भी अभिनय है, अनुकरण करने के लिए आप बच्चे को कहते हैं वह अभिनय है, वैसे ही कलाओं के कई रूप हैं। अब अपने आप में जो अक्षर है वह आकृति है, वो एक तरह की चित्रकारी है जी जी। तो इसलिए इन सब का उपयोग हमें इस तरह करना चाहिए कि हम भाषा शिक्षण में इनका उपयोग कर रहे हैं, कला शिक्षण नहीं कर रहे हैं जी। यानी कलाओं का सिखाया जाना, पेंटिंग का सिखाया जाना, गायन का सिखाया जाना जी जी, एक अलग विधा हो सकती है, लेकिन इनके माध्यम से भाषा शिक्षण करना एक दूसरी बात है, ये हमेशा हमें ध्यान में रखनी चाहिए जी जी। इसलिए आप कलाओं के क्षेत्र में जब देखेंगे तो उनकी जो भाषा है कला सीखने की, वह यथावत भाषा सीखने में लागू नहीं की जा सकती जी। लेकिन यह ध्यान में रखनी चाहिए कि हम
साहित्य और भाषा के शिक्षण में इन विभिन्न विधाओं का उपयोग करते हैं और करना चाहिए, तब ज़्यादा रोचकता बनी रहेगी। जी जी, साहित्य की अन्य विधाओं के आधार पर भी हम इस तरह की गतिविधियाँ कर सकते हैं। कुछ ऐसी ही स्थितियों के बारे में अब हम आपके साथ चर्चा करना उचित समझते हैं। हाँ, जब हम लोग पढ़ने की बात करते हैं तो अभी हम लोगों ने थोड़ी बहुत चर्चा भी की थी कविता सुनाने और गाने की। इस पर मुझे लगता है कि हमारे शिक्षार्थियों को और भी विस्तार से बातचीत की ज़रूरत महसूस होगी। तो आप पढ़ने की जो दुनिया है उसमें कविता सुनाने और गाने की उपस्थिति के क्या अर्थ हैं, इसको थोड़े और विस्तृत ढंग से समझाने की कृपा कीजिए। देखिए, कविता सुनाना एवं गाना का जो उपयोग है पढ़ना सीखने के लिए, अनुमान लगाकर पढ़ने की क्रिया में पढ़ना एक महत्वपूर्ण साधन है। अनुमान लगाकर पढ़ना, जी हम लोग कई बार अनुमान लगाकर भी पढ़ते हैं और किसी भी उम्र में। अब अपने से भी आप देख सकते हैं कि पूरा पूरा वाक्य न पढ़ के आप जान जाते हैं कि इसमें जाता है कि जाती है, अंत में क्या होगा। या कई बार आप पूरे पेज को एक सरसरी नज़र से पढ़ जाते हैं क्योंकि आपके पढ़ने का जो कौशल है वो विकसित हो चुका होता है। तो अनुमान लगाकर पढ़ने की क्रिया पढ़ने का एक महत्वपूर्ण साधन है, यह ध्यान में रखने की आवश्यकता है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि कविता इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। नियमित रूप से कविता सुनाने पर भाषा की बुनियादी संरचना प्रकट होती है और समझ का हिस्सा भी बनती है। अपनी तुकबंदी और गेयता के कारण कविता याद का हिस्सा बन जाती है, यानी हमारी स्मृति का हिस्सा बन जाती है, जिस पर अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। बच्चों की रुचियों का को ध्यान में रखते हुए कविताओं का चयन किया जाना चाहिए। एक तरह से यह शर्त जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता, जिसे हम लोग नॉन निगोशिएबल कहते हैं एक तरह से, वो ये है कि इस उम्र के बच्चों के लिए तो गे और तुकांत कविताएं ही चयनित की जाने चाहिए। बच्चों की रुचियों का को ध्यान में रखते हुए कविताओं का तीसरी चौथी कक्षा तक के बच्चे बच्चों बिल्कुल के लिए। बिल्कुल, बार बार दोहराने आनंदपूर्वक सस्वर पाठ करने से बच्चे बच्चियों को कविता याद हो जाती है। जी, आवृत्ति से याद हो जाती है, रटवाने से नहीं, आवृत्ति से याद हो जाती है। और इसमें इस गेयता का, लयात्मकता का की बड़ी भूमिका है। जी जी, कि वो उनके मानस पटल पर अंकित होती जाती है, मस्तिष्क में अंकित होती जाती है। जी विद्यार्थियों, आप यहाँ पर दो शब्द आए थे, दोहराना और रटना, तो और इस पर ज्ञानदेव जी ने बल भी दिया था। यहाँ यह समझ लीजिए कि आप बिना अर्थ समझे, बिना भाव में डूबे यदि किसी चीज़ को का निष्प्राण उच्चारण करते हैं बार बार, तो उसे हम रटना कहते हैं। और दोहराना का मतलब हुआ कि उस भावना और संवेदना के साथ आप बार बार, आपका एक रिश्ता बनता है, एक दोस्ताना रिश्ता कायम होता है, तो आप दोहराने को रटना समझने की भूल ना कीजिएगा। जी जी, और कविता सुनाते समय यह भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि अनावश्यक नैतिकता की दुहाई देने वाली कविताएं न हो। जी, अकारण कविता सुनाने के स्थान पर हम नैतिकता पढ़ा रहे हैं बच्चों को, या उन तक नैतिकता जबरदस्ती पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें कविता सुनने का जो स्वाभाविक आनंद है वह समाप्त हो जाता है। जी, और ऐसी कविताएं ज़्यादा उपयोगी नहीं हो पाती, बल्कि इनके स्थान पर वैसी कविताएं ज़्यादा उपयोगी होती हैं जिनमें खुद के परिवेश से जुड़ने की ललक, कौतूहल और कथा तत्व की प्रधानता होती है। जी जी, यानी किस्सा गोई जहाँ है, ऐसी कविताएं जो अपने परिवेश से जोड़कर बच्चों को भी कुछ जानने को प्रेरित करती है। जैसे बच्चा या बच्चे, मान लीजिए स्कूल पहुंचने के रास्ते में खेतों से गुजरता है, तो खेतों के बाद तो नदी से होकर यदि उसका रास्ता आता हो तो उसकी बात होनी चाहिए, बिल्कुल उसके परिवेश की बात होनी चाहिए। तो आमतौर पर हम देखते हैं कि इन इलाकाई गीतों को, अपने क्षेत्र विशेष या परिवेश के गीतों को, बच्चे बच्चियाँ अक्सर रस्सी कूदते हुए, दौड़ते भागते हुए या अन्य खेल खेलते हुए गाते गुनगुनाते हैं। उनका संग्रह बनाकर इस कार्य के लिए उपयोग किया जा सकता है, यानी स्थानीय गीतों का, खेल गीतों का, जिनको बच्चे गुनगुनाते हैं। आप स्कूली पाठ्यक्रम का वो हिस्सा नहीं है, लेकिन खेलते हुए, भागते हुए, दौड़ते हुए, तितलियों का पीछा करते हुए बच्चे उन गीतों को गुनगुनाते रहते हैं। शिक्षार्थियों, इस बात का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है कि महज पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं हो बात। ज्ञानदेव जी ने एक बहुत ही
संदर्भपूर्ण प्रसंग की ओर हम लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है जो इलाकाई गीत होते हैं, यानी आप जिस इलाके में रहते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे गीत होंगे जहाँ परिवेश में लोगों को गाते गुनगुनाते आप सुनते होंगे। इसमें बुजुर्ग हमारी खास सहायता कर सकते हैं या अधेड़ जो लोग हैं वो सहायता कर सकते हैं, उनके द्वारा बातचीत के बाद गीतों को इकट्ठा किया जा सकता है या बच्चों की दुनिया के भी गीतों को इकट्ठा करके उसको संकलित करके पढ़ने की क्रिया में उपयोग किया जा सकता है। अब इस बात को कुछ और बेहतर ढंग से समझने के लिए एनसीईआरटी के रीडिंग डेवलपमेंट सेल की किताब के कुछ अंश हम देख सकते हैं, इससे हमें एक दृष्टि मिल सकती है। इस किताब में एक रोचक गतिविधि का जिक्र है जिसे एक शिक्षक ने साझा किया है। हम सब मिलकर कविताएं गाते, मैं बच्चों से उनकी राय पूछता, यानी एक शिक्षक ये बता रहे हैं कि वो सब मिलकर रीडिंग सेल में एक अनुभव का एक प्रसंग का जिक्र जी, जी जी और ये एक शिक्षक के अनुभव है जो वहाँ दर्ज है। शिक्षक का कहना है कि हम सब मिलकर कविताएं गाते, मैं बच्चों से उनकी राय पूछता, जो कविता बच्चों को बहुत अच्छी लगती बच्चे बार बार उसको गाना चाहते। यानी शिक्षक के लिए आसान हो जाता है कि बच्चों के बीच से ही इस प्रक्रिया के द्वारा वो चयन कर रहे हैं कि बच्चे किस गीत में या किस कविता में अधिक रुचि ले रहे हैं, यानी बच्चों के करीब की कौन सी कविता है। एक बार गा लेने भर से उनका मन नहीं भरता, वे कह उठते सर एक बार और। कुछ बच्चे कविता गाते गाते अपने को रोक न पाते और खड़े होकर कविता के हिसाब से अभिनय तक करने लगते। कई बार मैं मजे मजे में सुझाव देता, मैं कविता की एक पंक्ति बोलूंगा तुम दूसरी बोलना। मैं बाद में क्रम उलट देता, पहली पंक्ति तुम बोलो यानी बच्चे बोलें, दूसरी मैं बोलूंगा यानी शिक्षक बोलें। कभी कभी बच्चे कविता की एक पंक्ति बोलते, मैं उनके पीछे पीछे दोहराता। बच्चों को बहुत आनंद आता है जब उनके सर उनके पीछे पीछे कविता दोहराते हैं। जी अमूमन होता यह है कि हम ये मानते हैं कि बच्चे हमारे पीछे पीछे दोहराएं। आप उस क्षण की कल्पना करिए या अपनी कक्षाओं में यह प्रयोग करके देखिए कि जब आप बच्चों के पीछे पीछे दोहराते हैं तो उनके चेहरे पर सीखने का कौन सा भाव दिखाई देता है। और इस प्रक्रिया में कविता उन्हें स्वतः याद हो जाती है, यानी उनकी स्मृति का हिस्सा बन जाती है। यह सब कार्य उनके लिए सार्थक बन जाता है, उनके अंदर नया उत्साह तथा आत्मविश्वास जागृत हो जाता है कि वे बड़ों का मार्गदर्शक करने में समर्थ हैं। यानी जब उनके शिक्षक ही उनका अनुकरण कर रहे हैं तो ये मानते हैं कि वे अब मार्गदर्शन कर सकते, वे भी बोल सकते हैं और वो जो बोल रहे हैं उसके बाद उनके शिक्षक उसमें कुछ जोड़ सकते हैं। इससे पता चलता है कि जरा सी सूझ से एक नीरस काम सरस बन जाता है। कविता अनेक बार गाने के बाद जब हम उसको पढ़ते हैं तो यह काम लगभग सभी बच्चों के बाएं हाथ का खेल बन चुका होता है। यानी इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद अब यह कविता बच्चों के लिए न तो बोझ है न बोझिल। जी जी कई बच्चे स्वयं पुस्तक खोलकर अपने साथी को पढ़ाते दिखाई पड़ते, देख यहाँ लिखी है यह कविता, वे उंगली रखकर अपने साथी को बताते। कई बार कुछ समझ न आने पर या भूल जाने पर पंक्ति को अपने मन से शब्द जोड़कर पूरा कर देते। ठीक उसी तरह जिस तरह हम कोई गाना भूल जाने पर अपने मन से शब्द जोड़कर उस गाने को पूरा कर लेते हैं। मैंने गौर किया यह बदलाव हमेशा ठीक ठीक या सटीक होता है। जी यानी शिक्षक जो ये कहानी हमें बता रहे हैं उनका निष्कर्ष यह है कि उन्होंने ये प्रयोग कई बार किया बच्चों के साथ और हर बार उन्हें लगा कि बच्चे इसे सीख रहे हैं और यह एक सटीक प्रयोग है जी। जिसे करने के बाद बच्चों की कविता में रुचि बढ़ रही है। जी जी उदाहरण के लिए एक बार एक बच्चा अपने साथी को कविता दिखा रहा था, पत्ता बोले खड़खड़खड़, कहें पटाखे भड़बड़बड़, छुर 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 बोलें बोलें फुलझड़ियाँ, रॉकेट बोले तड़ तड़ तड़। बच्चे ने पूरी कविता अपने आप अपने साथी को पढ़कर बताई जी। और फुलझड़ियाँ की जगह छुरछुरियाँ बदल दिया। अब ये है स्थानीय प्रभाव जी जी कि अब उसके लिए फुलझड़ियाँ यदि थोड़ी से समझ बहुत नहीं बन रही है, में यदि छुरछुरी है तो छुरछुरी ही कहेगा। लेकिन ये समझिए कि वो फुलझड़ी को ही छुरछुरी से एक तरह से स्थान परिवर्तित पर्यायवाची शब्द का प्रयोग, यानी वो फुलझड़ी का अर्थ उसके जेहन में है जेहन में है जी, इसीलिए वो फुलझड़ी के समानार्थी
छुरछुरी का उपयोग कर रहा है। स्वाभाविक सी बात है कि उसके परिवेश या घर में फुलझड़ी को छुरछुरी बोलते होंगे। मैं चुपचाप यह सब देख रहा था, यानी वो शिक्षक जो इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं वो ये सब चुपचाप देख रहे थे। उनका कहना है कि मैंने उसे टोकने या ठीक करने की जरूरत महसूस ही नहीं की जी, जी। क्योंकि उसने कोई गलती की ही नहीं थी जी, और इससे कविता के अर्थ पर कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा नहीं था, नहीं पड़ा, बल्कि मुझे अवसर मिला एक नया शब्द और संदर्भ अगली गतिविधि के लिए। यानी हमने अगली गतिविधि में छुरछुरी शब्द के बारे में बातचीत की। इसी तरह अन्य कविताओं के माध्यम से भी इस कौशल की बुनियाद रखने में सहायता मिल सकती है। उदाहरण के लिए निम्नांकित कविताओं के उपयोग संभव हैं। पहली कविता राम नरेश त्रिपाठी जी की है, बहुत जुकाम हुआ नंदू को, एक रोज वह इतना छींका इतना छींका इतना छींका इतना छींका इतना छींका, सब पत्ते गिर गए पेड़ के, धोखा हुआ उन्हें आंधी का। एक अन्य कविता जो श्रीधर पाठक जी की लिखी हुई है, लड़कों इस झाड़ी के भीतर छुपा हुआ है जोड़ा तीतर, फिरते थे ये अभी यहीं पर चारा चुगते हुए जमी पर, एक तीतरी है एक तीतर, हमें देखकर भागे तीतर, आओ इनको जरा डराकर ढेला मार निकालें बाहर, यह देखो वह दोनों भागे, खड़े रहो चुप बढ़ो ना आगे, अब सुन लो इनकी गिटकारी, एक अनोखे ढंग की प्यारी, तिड़तड़ 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 नाम इसी से इनका तीतर। क्या बात। कुछ अन्य बातों पर भी इस संदर्भ में ध्यान देना आवश्यक है, जरूरी है कि वाक्य का उच्चारण करने और पढ़ने के साथ साथ उसे समझते चलने में अंतर है। पढ़ना एकाकी प्रक्रिया नहीं है, उसमें कई प्रक्रियाएं शामिल हैं। पढ़ते वक्त भाषा के उपयोग से जुड़े हुए तीन तरह के संकेत सामने आते हैं, अर्थ, वाक्य विन्यास, ध्वनि, आकृति संबंध। पढ़ते समय इन तीनों का तालमेल न हो तो पढ़ना संभव नहीं है। इन सभी संदर्भों को समझ लेने के बाद उन मुद्दों पर ध्यान देना जरूरी है जिनके प्रति राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 हमें आगाह करती है। कक्षा में छपी हुई सामग्री की बहुतायत हो, संकेतों, चार्ट, कार्य संबंधी सूचना आदि उसमें लगे हों, ताकि विभिन्न अक्षरों की ध्वनियां सीखने के साथ बच्चे लिखित संकेतों की पहचान भी कर सकें। कल्पनाशील निवेशों की जरूरत है जिसे एक योग्य पाठक हाव भाव से पढ़े। विद्यार्थियों द्वारा बताए गए अनुभवों का लेखन और उनके द्वारा लिखित पाठ का वाचन आवश्यक है। अतिरिक्त सामग्री का पठन जैसे कहानियां, कविताएं इत्यादि होनी चाहिए। प्रथम पीढ़ी के विद्यार्थियों के लिए, यानी जो पढ़ने के क्रम में प्रथम पीढ़ी के विद्यार्थी माने जाएंगे, उन्हें इसका अवसर दिया जाना चाहिए कि वह अपने पाठ स्वयं तैयार करें और स्वयं द्वारा चुने हुए पाठों का कक्षा में योगदान दें। यानी उनके जो अपने अनुभव हैं उन पर भी सामग्री तैयार की जानी चाहिए जो उनके साथ तारतम्य बिठा सके और उनके अनुभव जगत से जुड़ी हुई हो। तो पढ़ने की जो प्रक्रिया है उसमें हमेशा यह ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि एक तो बच्चों को अक्षर से शब्द और वाक्य की तरफ न ले जाके उन्हें किताबों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, गीतों के माध्यम से यदि हम पढ़ना सिखाते हैं तो इस प्रक्रिया में बच्चे जिस निरस्ता का बोध करते हैं वह नहीं होने की संभावना रहेगी और सच में पठन एक रुचिकर प्रक्रिया बनेगी, एक आनंददायी प्रक्रिया बनेगी। धन्यवाद ज्ञानदेव जी, आपने बहुत बेहतर तरीके से पढ़ने की क्रिया को आनंददायी कैसे बना सकते हैं इसका उल्लेख किया। शिक्षार्थियों, आपको निश्चित रूप से इस चर्चा से लाभ मिला होगा। आपने इस चर्चा पर ध्यान से अपनी समझ बनाने की क्रिया में एक योगदान दिया है। धन्यवाद आप सबका।